बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। नगर में 74 वर्षीय जितेंद्र मित्तल बना दूल्हा तो 42 वर्षीय मीना दो बच्चों की मां बनी दुल्हनिया। वृद्ध दूल्हा ने अपनी शादी में जमकर लगाए थमके। बुलंदशहर शिकारपुर नगर की अग्रवाल धर्मशाला में 74 वर्षीय जितेंद्र मित्तल बना दूल्हा, बरेली की मीना 42 वर्ष बनी दुल्हनिया। इस अनोखी शादी में नगर के संभ्रांत लोग शादी में हुए शरीक। इस शादी में सभी तरह की रस्में निभाई गई। शादी के जश्न में नगर के लोग हुए शामिल। शादी में पहुंचे किन्नरों को मुंह मांगी बधाई दी गई। किन्नरों ने बज रही शहनाई पर जमकर नाच गाने पर मचाया धमाल। नगर वासियों ने वृद्ध दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर 74 वर्षीय पति पत्नी का हुआ मिलन। आपको बता दें कि दुल्हन अपने साथ दो बच्चों को लेकर भी आए हैं, जो कि दुल्हन दो बच्चों माँ है। मेरठ की एक वैवाहिक संस्था ने दोनों का कराया मिलन। वैवाहिक जीवन की 74 वर्षीय दूल्हा एवं 42 वर्ष की दुल्हनिया आज से करेंगे नए दंपति जीवन की शुरुआत। इस अनोखी शादी की शिकारपुर नगर में चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। वृद्ध दूल्हा ने अपनी शादी में जमकर लगाए थमके। शादी में पहुंचे लोगों को कराया जलपान। दूल्हा दुल्हन को लोगों ने गिफ्ट लिखकर दिया आशीर्वाद। इस अवसर सैकड़ों लोग हुए शामिल। मैं आप लोगों की 74 वर्ष की आयु में शादी का आयोजन किया गया है, कितनी खुशी हो रही है। आप कहाँ के रहने वाले? मैम आपके कहाँ के रहने वाली? क्या नाम है आपका? आ शादी करके आप किस तरह से खुशहाल जीवन जीवन की? आप लोग कितने खुश हैं आज? आप लोग 42 वर्ष की आयु में और दादा 74 वर्ष के हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, जैसे कि आपने इस उम्र में शादी की है, कितने समय से मतलब आप इनके संपर्क में हैं? मतलब कब से आपकी मुलाकात हुई इनसे? किस तरह के आपसे मिले इनसे? 11/21 को संस्था में मेरठ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? दीदी जी से किस तरह का आप लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं? और आप लोग? हमको बहुत खुशी है, मेरे शिकारपुर क्षेत्र में ये शादी हो रही है। आर्मिया बधाई लेने आई हुआ, इनको आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। ये सदा बाहर खुश रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। और ये हमारे इलाके में रहते हैं, मैं बोली मुस्कान किन्नर शिकारपुर से, मालिक शिकारपुर क्षेत्र की मालिक, ये मेरे चेले हैं और मैं इनको आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ और इनकी बधाई लेने इनसे आई हूँ मैं। और खुशी हम लोग सब मना रहे हैं, खुशी में आए हम लोग। थैंक यू और सबके लिए धन्यवाद।